नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां पर शिक्षकों की बहाली के लिए नया नियमावली ला रहे हैं, तो वहीं पर 75,000 ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं और सरकार का पैसा ले रहे हैं। इस बारे में इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने नया फैसला सुनाया और राज्य सरकार को 3 महीने की मोहलत दी गई है कि वैसे तमाम शिक्षकों का ब्यौरा सामने आए जिन्होंने फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी की है और लगातार सरकार से पैसे ले रहे हैं। हम आपको बताते चले कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने पहले ही ये फैसला सुनाया था कि इस पूरे मुद्दे को जांच पड़ताल करने के लिए एक अलग से निगरानी टीम बनाई जाए और अब निगरानी टीम ने रिपोर्ट सौंप दिया है हाईकोर्ट को और उस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 75,000 शिक्षक हैं जो फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं और सरकार से पैसे ले रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया और अब मात्र 3 महीने की ऐसी मोहलत दी गई है जिसमें शिक्षकों को जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा देना होगा जो शिक्षक फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि अभी जो है ये नया डेटा निकलकर सामने आया है और इस नए डेटा के मुताबिक सरकार ने वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो शिक्षक फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे थे। हालांकि 2020 में भी ये मामला सामने आया था और उस वक्त हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि वैसे शिक्षक जो फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, अगर वो अपने मन से अपना इस्तीफा दे देते हैं तो सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन 2020 के बावजूद अभी जो नया डेटा निकल कर सामने आया है, निगरानी विभाग ने जो रिपोर्ट सौंपी उसके आधार पर कई सारे आज भी ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जो फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए हाईकोर्ट ने नया फैसला सुनाया कि पूरे राज्य भर में सरकार 3 महीने के अंदर तमाम शिक्षकों का ब्यौरा निकाले और उनसे संबंधित तमाम दस्तावेज सरकार के पास जमा कर दे, यानी कि विभाग के पास भी जमा करे और हाईकोर्ट को भी सौंप दे, जिसके बाद इसकी जो दूसरी तारीख है वो 7 अगस्त को रखी गई, यानी कि आने वाले 7 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और उन तमाम शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं और सरकार से पैसे ले रहे हैं। हालांकि ये मामला काफी ज्यादा पुराना है, 2014 में भी हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था, जिसके बाद 2019 में नया डेटा सामने निकल कर आया। नए रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब जो है डेडलाइन निकाल दी गई है, यानी कि ये आखिरी मोहलत दी गई है सरकार को कि जल्द से जल्द यानी कि 3 महीने के अंदर सारे फर्जी शिक्षकों का ब्यौरा निकाला जाए और जल्द से जल्द उन शिक्षकों पर कार्रवाई होगी जो फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।